अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माई नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर और आज की जो वीडियो है वो हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि इस पर वीडियो बना दें कि एयरपोर्ट का क्या प्रोसीजर होता है और उसके अलावा अगर कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसके अलावा हमें कौन सी एयरलाइन चूज़ करनी चाहिए। तो लिहाजा आज की वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले आपने टिकट बाय करनी है। टिकट बाय करने के बाद आपने तकरीबन 2 घंटे पहले या तकरीबन 2.5 घंटे पहले आपने एयरपोर्ट पर पहुंचना होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपका कोई सिक्योरिटी चेक या कोई बैग वगैरह चेकिंग होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इस वजह से आपने एटलीस्ट 2 घंटे पहले आपने एयरपोर्ट पर पहुँचना है। एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद आपके 5 स्टेप्स हैं जहाज़ में बैठने तक। सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपकी जो एंट्रेंस है, जो फर्स्ट आपका अपने सिक्योरिटी गेट से आपने इंटर होना होता है, और वो है कि आपने जब आप इंटरनेशनल डिपार्चर वाले गेट से या डोर से जब आप इंटर होंगे तो उस गेट से बाहर ही एक सिक्योरिटी एहलकार होगा जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF का एहलकार होगा। तो वो आपका पासपोर्ट और आपकी जो टिकट है वो दोनों चीज़ें चेक करेगा। और टिकट जो है आपने प्रिंट भी करवा सकते हैं, अगर आपने प्रिंट नहीं करवाई तो आप अपने मोबाइल पर भी वो टिकट दिखा सकते हैं। वो देखने के बाद आप इंटर होंगे तो साथ ही जो है वो सिक्योरिटी वाला सिस्टम होगा जिसमें आप अपने जो लगेज हैं, जो भी बैग हैं, वो आपने सिक्योरिटी वाली वो जो स्कैनिंग मशीन है उसमें रखने होते हैं खुद से, और खुद भी जो वॉक थ्रू गेट होता है वो उसमें से गुजर के सामने जो सिक्योरिटी एहलकार है उसको वो आपको स्कैन करता है। वो जब आपको स्कैन करेगा तो वो आपसे कुछ चंद एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यूजुअली वो लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन उससे आगे थोड़ा सा आगे करके साथ ही जो है वो एंटी नारकोटिक्स वाले या फिर जो है वो कस्टम वाले या फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वो हो सकती है ASF वाले, वो खड़े होते हैं, वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। और यूजुअली वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं जैसा कि आप कौन से कंट्री में जा रहे हैं, पाकिस्तान में कहाँ से हैं और किस पर्पज़ के लिए आप उस कंट्री में जा रहे हैं, कितने जो है वो पैसे हैं, कितनी फॉरेन करेंसी है। जिस तरह से मुझे पूछा था कि आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, मैंने कहा मैं चाइना में जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके पास कितनी करेंसी है, मैंने कहा मेरे पास 4000 RMB है। उन्होंने कहा कि पक्की बात है, मैंने कहा जी पक्की बात है। और उधर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप बैग गुजारें स्कैनिंग मशीन से तो आपके अगर बैग में कोई ऐसी चीज़ है जैसा कि लिक्विड है या फिर कोई मेटल की इस तरह की चीज़ है जिस पर उनको कोई शक गुजरे तो वो आपका बैग खोल कर भी देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप थोड़ा 2-2.5 घंटे पहले जाएं तो ये सारी चीज़ें आप अपना बैग वगैरह चेक करवाने के बाद, ये आपका पहला स्टेप। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है कि आपने बोर्डिंग पास कलेक्ट करना होता है। और जब आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद अगर आप बैग की रैपिंग करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बैग जो लगेज है वो आपका सेफ रहे तो आप बैग की रैपिंग भी करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहते हैं, लेकिन वो कंपलसरी नहीं होता। तो वो करवाने के बाद आपने देखना है कि कौन सी एयरलाइन, जिस एयरलाइन का आपने टिकट लिया है वो वाली आपने लाइन देखनी है। बेसिकली होता है इस तरह से है कि उनकी जो भी जो बंदा बैठा है या बंदी बैठी है तो उसके ऊपर जो है एक बोर्ड लगा होता है एयरलाइन का। बाज़ुकात होता है कि जो एक बंदा है वो एक ही एयरलाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बाज़ुकात होता है कि एक से ज़्यादा एयरलाइंस के वो बोर्डिंग पास इशू कर रहा होता है। तो आपकी टिकट जो है जिस भी एयरलाइन की है वो आपने उस वाली लाइन में लग जाना। उस वाली लाइन में लगने के बाद आपके पास सारे आपके जितने भी लगेजेस हैं, अगर हैंड कैरी है और लगेज है, वो दोनों आपने अपने साथ रखने हैं। जब आप उस बंदे के पास जाएंगे तो उसको आप अपना पासपोर्ट देंगे और उसके साथ आप अपनी टिकट देंगे। वो पासपोर्ट पर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो देखेगा, उसके साथ आपका जो वीज़ा लगा हुआ है वो देखेगा और आपकी टिकट देखेगा। और वहाँ पर आपसे वो चंद एक सिंपल से क्वेश्चन पूछ सकता है जैसा कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जस्ट कंफर्मेशन के लिए, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उनको आपने आंसर देने हैं। और उसके बाद आपने अपना जो लगेज है वो आपने उनकी जो रोलिंग मशीन होती है वो आपने उसके ऊपर रखना है। उसके ऊपर रखेंगे तो वो उसका वेट करेंगे, उसका वज़न करेंगे। तो अगर तो वो कहें आपको कि आपका जो हैंड कैरी है जो आपने अपने साथ लेके जाना है जहाज़ के अंदर, वो भी ऊपर रखें वज़न के लिए, तो वो भी आप रख दें। अदरवाइज़ जो है वो उसी का वेट करके, वज़न करके, अगर वो जितना आपको अलाउ है उस हिसाब से हुआ तो वो फिर कहेंगे ओके, उसके ऊपर वो टैग लगा देंगे और एक टैग जो है वो उसी सेम नंबर के साथ वो टैग जो है आपकी जो बोर्डिंग पास होगा उसके ऊपर भी लगा देंगे और वो बोर्डिंग पास जो है आपको दे देंगे। ये था आपका दूसरा स्टेप, आपने बोर्डिंग पास ले लिया।
उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप होती है इमिग्रेशन या एग्जिट की जो स्टैंप लगती है आपकी, उसके बाद आप जाएंगे, लाइन लगी होगी जहाँ पर आपकी जो पासपोर्ट है उनके ऊपर स्टैंप लगेगी एग्जिट की, और एग्जिट की स्टैंप कुछ इस तरह से लगाते हैं पाकिस्तान में। तो वहाँ पर आपने क्या करना है, लाइन लगी होगी, लाइन में लगेंगे तो उधर जो आपका जो FIA का होगा गालबन, या कस्टम के होते हैं, FIA के होते हैं गालबन एहलकार जो होते हैं, वो आपके जो पासपोर्ट है उसके ऊपर स्टैंप लगाएंगे, और वहाँ पर भी आपसे कुछ आंधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सिंपल सिंपल, किस कंट्री में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इस तरह से ये सादा से सवाल होंगे। और यूजली वो नहीं पूछते, मेरे से तो नहीं उन्होंने कभी पूछा, लेकिन बाज़ औक़ात वो कभी कभार पूछ लेते हैं, और अगर वो पूछें तो उनको आपने बता देना। और वहाँ पर वो आपका जो पासपोर्ट है और आपकी, जब वो अपने कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन इंटर करने के बाद सारा वो देखते हुए, और वो आपके जो पासपोर्ट है उस पर एग्जिट की स्टैंप लगा देंगे। वो स्टैंप लगाएंगे तो लाहौर में इस तरह से होता है, जब आप स्टैंप लगवा के जूँ ही आप इंटर होते हैं तो एक सामने एक बंदा खड़ा होता है, एक ही बंदा होता है, उसको आपने पासपोर्ट अपना दिखाना होता है। वो सिर्फ ये देखता है कि आपके पासपोर्ट पर एग्जिट की स्टैंप लगी है या नहीं लगी, सिर्फ ये चीज़ देख रहा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। वो आपकी, आपका जो पासपोर्ट है वो देख के, और वो आपको पासपोर्ट आपका वापस कर देगा। ये था आपका तीसरा स्टेप इमिग्रेशन का या एग्जिट की स्टैंप लगवाने का। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है आपका दोबारा से सिक्योरिटी चेक, और उसमें सिक्योरिटी चेक होता है आपके हैंड कैरी का, और वो आपको दोबारा से आपकी जो स्कैनिंग है वो करते हैं। उसमें आपका जो है वो जो हैंड कैरी लगेज है वो आप वही जो वो जो रोलिंग मशीन होगी आप उसमें रखेंगे, और कोशिश करें कि आपकी जितने भी कोई मेटल की चीज़ है, कोई इलेक्ट्रिक वॉच है या मोबाइल फ़ोन है इवन, वो भी आप उसी में डाल दें या बैग में डाल दें या सेपरेट उसमें रख दें, वो जो ट्रेस ही होगी उसके अंदर, तो उसमें रख के आप उसको गुजार दें, और ख़ुद जो है बग़ैर किसी भी मेटल की चीज़ के आप जो है वो जब इंटर होंगे, वॉक थ्रू गेट से इंटर होंगे, तो वो आप दोबारा से आपको स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद जो है वो आप अपना जो हैंड कैरी लगेज है वो आप उधर से लेकर आप जो है इंटर हो जाएंगे, और ये था आपका चौथा स्टेप। उसके बाद आता है पांचवा और आखिरी स्टेप, जिसमें होता है कि आपने बोर्डिंग करनी होती है, मतलब ये कि आपने जहाज़ में बैठना होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपका जो बोर्डिंग पास होता है उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जैसा कि आपका गेट, यानी कि किस गेट से आप इंटर होंगे जहाज़ में, और उसके अलावा आपका नाम लिखा होता है, सीट नंबर लिखी होती है, उसके अलावा बोर्डिंग टाइम लिखा होता है कि कितने बजे बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो वो आपने जो है वो ध्यान से, आपने गौर से वो चीज़ देख लेनी है। और बोर्डिंग जो है यूजुअली आधा घंटा या पौना घंटा और बाज़ औक़ात एक घंटा पहले भी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एक घंटा पहले भी लोग जहाज़ में बैठना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इसलिए जो है वो आपने अपना जो गेट है, जो भी गेट नंबर है, उसके सामने जाके आपने बैठ जाना है। आपने अगर कोई चीज़ खानी है तो वो भी आप उधर से ले सकते हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है, और मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगा, आप जब आप घर से आएँ तो उधर से ही आप कोई चीज़ रास्ते से ले लें खाने पीने के लिए, कोई बर्गर वगैरह या जो भी चीज़ आप खाना चाहते हैं। सो ये थे पांच स्टेप, और उसके बाद आप जहाज़ में बैठ जाएंगे। ये पांच स्टेप थे, आप जब भी अगर आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान से किसी भी कंट्री के लिए आप ट्रैवल करें तो ये पांच स्टेप्स आप जो है वो फेस करेंगे, इन पांच स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको सिक्योरिटी हवाले से बता दूँ कि जब भी आप किसी भी एयरपोर्ट से या पाकिस्तान से या किसी भी एयरपोर्ट पर आप इस तरह बाई एयर फ्लाई करें तो किसी अननोन पर्सन का बैग अपने साथ ना रखें, और कभी भी अपना जो बैग है वो किसी अननोन पर्सन के हवाले ना करें। उससे ये होता है कि बाज़ का जो है वो कोई ऐसी चीज़ उसमें रख दें या कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से आप कभी भी किसी अननोन पर्सन का बैग अपने पास ना रखें और किसी अननोन पर्सन को अपना बैग उसके हवाले ना करें। तो ये सारे स्टेप से जहाज़ में बैठने तक के लिए। और अभी हम बात करते हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए, क्योंकि चाइना में जो लोग स्टूडेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर जो है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के थ्रू ही आते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर, तो मैं आया था बेसिकली वाया दुबई, यानी कि इधर से हम, जब मैं पाकिस्तान से पहली दफ़ा आया था तो मैं पाकिस्तान से दुबई और दुबई से फिर जो है वो चाइना में गुआंगझोऊ में। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट का बेसिकली इस तरह से होता है कि जब आप, फॉर एग्जांपल दुबई का अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो दुबई में जब आप उतरेंगे तो उधर से जो है आप जो लोग सारे जा रहे हैं आपने बस उन्हीं के साथ साथ जाते रहना, और जब आप थोड़ा सा जाएंगे तो लास्ट पर जाके वहाँ पर दो रास्ते होंगे। एक तो होगा, ऊपर इंग्लिश में लिखा होगा, क्लियरली लिखा होगा कि कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए आप इस साइड पे जाएं, जबकि जो लगेज कलेक्शन के लिए आप इस साइड पे जाएं। तो वहाँ पर आपने ध्यान रखना है, अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आपने कनेक्टिंग फ़्लाइट वाली साइड पर जाना है, नंबर एक।
नंबर दो, आजकल यूजुअली इस तरह से होता है कि आपका जो लगेज है वो आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे मिलता है। जब भी आप टिकट खरीदें तो ये चीज़ कंफर्म कर लें कि अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो जो मेरा लगेज है वो मुझे जिस कंट्री में मैं स्टे करूंगा रास्ते में, तो मुझे वहां पर मुझे कलेक्ट करके दोबारा से इंटर होना है, या मुझे जो मेरा जो लगेज है वो मुझे फाइनल डेस्टिनेशन पर मिलेगा, ये चीज़ आपने पहले से कंफर्म कर लेनी। यूजुअली तो ये होता है कि आपको फाइनल डेस्टिनेशन पर ही मिलता है। अगर तो ऐसा है तो आप, अगर फॉर एग्जांपल आप दुबई में उतरे हैं, तो उसके बाद आपको मैंने बता दिया कि आपकी जो लगेज कलेक्शन है वो आपका सेपरेट उधर से हो जाएगा, उसके बाद जो कनेक्टिंग फ्लाइट है उधर से सेपरेट हो जाएगी। तो दुबई में इस तरह से होता है कि अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट वाली साइड पर जाते हो तो उधर से दोबारा आपको एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर वो आपके इवन शूज़ भी उतार के उसके ऊपर जो है वो एक बास्केट होती है उसमें रख देते हैं, आपका जो हैंड कैरी लगेज है वो भी उसमें रख के फिर आप जो है वो वॉकिंग थ्रू गेट से आप गुजरते हो, फिर आपको वो स्कैन करते हैं। सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद दोबारा से एक बड़ा सा हॉल आ जाता है जिसमें काफ़ी सारे जो गेट्स होते हैं, और वहाँ से फिर आपने दोबारा आपको जो बोर्डिंग पास दिया गया होगा, अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो आपको दो बोर्डिंग पास इशूज़ होंगे, तो आपका जो दूसरा बोर्डिंग पास होगा वो आपका, अगर आप दुबई से कनेक्टिंग फ्लाइट है तो आप दुबई से वो जो दूसरा सिटी है जिस सिटी में आप जा रहे हैं तो वो वहाँ तक का होगा। तो उस पे आपने देखना है कि आपका कौन सा टर्मिनल है और कौन सा आपका जो है वो है जो जो गेट नंबर है वो कौन सा है। और दुबई में मेरी एक बात याद रखिएगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो दुबई में काफ़ी ज़्यादा गेट्स हैं, बहुत ज़्यादा गेट्स हैं, तो इस वजह से आपने ख्याल रखना है कि आपका गेट कौन सा। आपने सबसे पहले इंटर होते हुए, भले आपका 5 घंटे का स्टे है या 4 घंटे का स्टे है, सबसे पहले आपने अपना गेट ढूंढना है कि कौन सा गेट है। तो वो गेट ढूंढने के बाद आप जो है वो उधर से जब आपको मिल जाए तो उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स होकर आप अपना खाना पीना या जो भी आपने करना है वो कर सकते हैं। सो ये तो हो गया आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट का, और वहां से आप फिर जो भी बोर्डिंग का सेम प्रोसेस होगा, तकरीबन आधा घंटा या पौना घंटा या फिर घंटा पहले ही उसकी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये चीज़ बोर्डिंग पास पर भी लिखी होगी। तो उसके बाद दोबारा सेम प्रोसीजर है जिस तरह मैंने पहले बताया कि उसके बाद आप जहाज में बैठ जाएंगे तो जिस भी कंट्री में आप जो है वो जा रहे हैं तो वहां पर आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आता है कि आप हम जो है वो कौन सी एयरलाइन का टिकट खरीदें। तो मैंने जो है वो काफ़ी सारी एयरलाइंस पर सफ़र किया है, मैंने चाइना साउदर्न, उसके बाद PIA, उसके बाद एक इनकी कुनमिंग एयरलाइन है वो गालबन इंटरनेशनल ही नहीं है, वो डोमेस्टिक है, उसके अलावा एमरट्स, तो इन सभी पे किया है सफ़र, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज़्यादा इनमें डिफरेंस है। बाज़ुकात PIA शायद डिले हो जाती है, लेकिन बाकी एयरलाइंस भी बाज़ुकात हो जाती हैं डिले, जिस तरह से चाइना साउदर्न एक दो दफ़ा मेरे साथ हुआ है कि वो डिले हो गई है, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं होता। शायद खाने का डिफरेंस हो सकता है, आप कह सकते हैं कि जो PIA का खाना है वो डिफरेंट होगा, जो चाइना साउदर्न का खाना है वो डिफरेंट होगा, एमरट्स का थोड़ा डिफरेंट होगा, तो उस हवाले से आप जो है वो अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी इनका जो सफ़र है वो तकरीबन तकरीबन सेम ही है। सो आप किसी भी एयरलाइन का टिकट खरीद सकते हैं। जी तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी जो कन्फ्यूजन थी वो आपकी दूर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और उसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं मज़ीद जो एजुकेशनल कॉन्टेंट है उस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा, उसके अलावा जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पर भी मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँगा, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह निगेबान।